दुनिया में सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगवाने वाले विलियम शेक्सपियर की मौत। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। ब्रिटेन के 81 वर्षीय विलियम शेक्सपियर नाम के व्यक्ति को 8 दिसंबर 2020 को दुनिया में सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगवाई गई थी। बड़ी बात यह है कि उनकी मौत उसी अस्पताल में हुई जहां उन्हें वैक्सीन की डोज दी गई थी। विलियम शेक्सपियर को पिछले साल 8 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अस्पताल कोवेंट्री और वॉरविकशायर में फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। इसी के साथ ही वह दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वाले पहले पुरुष बन गए थे। तब से उनका नाम मीडिया में काफी चर्चा में रहा। विलियम शेक्सपियर के परिवार से जुड़े लोगों ने कहा कि उनकी मौत एक असंबंधित बीमारी से हुई है, इसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। विलियम के मित्र और कोवेंट्री चांसलर जेने इंस ने कहा कि उनका निधन 20 मई को हुआ था। विलियम को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन लगवाना है। कोवेंट्री लाइव की रिपोर्ट के अनुसार विलियम की मृत्यु वैक्सीन लगवाने वाले अस्पताल में ही लंबी बीमारी के बाद हुई, हालांकि इसका संबंध कोरोना से नहीं था।